भाई अचानक से यहाँ पे भयंकर तूफान आ चुका है और हमको डर लग रहा है कि हम लोग का सामान पीछे भीगे ना। बोलता जल्दी करो, जो करना जल्दी करो भाई, जल्दी करो भाई। एकदम खतरनाक तरीके से बारिश हो रहा है, मतलब ये हल्का फुल्का वाला नॉर्मल बारिश तो नहीं है, बहुत। तो ये अचानक से पता नहीं गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, पीछे से भयंकर कच कच करके आवाज आ रहा है यार। तो ये सीधा रोड चला जाएगा हैदराबाद, हैदराबाद यहाँ से बचा 270 किलोमीटर। तो मिल गए हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग, आ जाओ भाई। क्या नाम है आप लोगों का? अली। अली आप? अशफाक भाई। यार स्कैनिया का बात ही अलग है। तो ये हमारे सब्सक्राइबर निकल गए भाई, हमको चाय पिला रहे थे। स्वागत करते हैं आप सबका एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। आप लोगों को पता है मुंबई टू गोवा का ट्रिप चल रहा हमारा, तो कल हम नंदेड़ पार करने के बाद लोहा पहुंच चुके हैं। लोहा में एक सरदार जी का ढाबा है, तो वहीं पे हम लोग रात को रुक गए थे, खाना पीना खाने के बाद अपने गाड़ी के पीछे सो गए थे। जस्ट अभी उठे हैं, मस्त भाई नहा धो के फ्रेश हो चुका, क्योंकि दूसरा दिन बाद ये आज नहाए हैं भाई। मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ था, इसी वजह से नहाने का मन नहीं कर रहा था। मौसम बोले तो यहाँ पे बारिश हो रहा था और रात होते ही पूरा ठंडा वाला मौसम हो जा रहा था। तो चलिए गाड़ी का साफ सफाई करते हैं, कुछ नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद यहाँ से अभी भी सफ़र को कंटिन्यू करना है। अभी अपना जो सफ़र बाकी है वो बाकी है 650 किलोमीटर का गोवा का। तो हम लोग का गाड़ी का सफाई कंप्लीट हो चुका है, अभी देखते हैं सरदार जी के ढाबा पे कुछ नाश्ता पानी मिल जाएगा तो नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद अपना गोवा को ट्रिप को कंप्लीट करेंगे, मतलब गोवा का ट्रिप को कंप्लीट करेंगे। अभी भाई 650 किलोमीटर का सफर बचा है, जस्ट अभी नेट पे हमने देखा है। भाई हमने पराठा का ऑर्डर दे दिया है, तो सरदार जी के ढाबे पे कल रात को हम लोग रुके थे, खाना तो भाई एक नंबर का खाना खा के मज़ा आ गया। मतलब 1000 किलोमीटर का ट्रिप अपना कंप्लीट हो चुका है 1100 किलोमीटर का, लेकिन अभी तक का जो सबसे बेस्ट खाना था वो भाई यहीं का था, खा के मज़ा आ गया। तो यहाँ पर हमने दिया है पराठा का ऑर्डर, आलू पराठा खाएँगे, उसके बाद फिर अपना जो सफ़र है आलू पराठा के खाने के बाद फिर कम्प्लीट करेंगे। तो देखते हैं आज कितना किलोमीटर तक हम लोग तय कर पाते हैं। हमें लग रहा है कि 300-350 किलोमीटर आज भी तय करेंगे, क्योंकि अगर 350 किलोमीटर नहीं तय करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि दो दिन में गोवा पहुंच जाए, ठीक। और यार आप लोग कहां कहां से व्लॉग देख रहे हो कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो हमको हिम्मत मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके बताइए कि आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि लाइक करते हैं ना तो मोटिवेट मिलता है और कमेंट करते हैं तो हिम्मत मिलता है। दोनों एक ही चीज़ है लेकिन अलग अलग तरीके से मैंने बोला। तो फाइनली भाई आलू पराठा खाने के लिए बैठ चुके हैं, थोड़ा सा हम ब्लैक ब्लैक लग रहे होंगे क्योंकि भाई है ब्लैक तो लगेंगे ही। तो गाड़ी पीछे लगा हुआ है, नहा धो कितना भी ले चमकेंगे नहीं। तो पराठा आ रहा है और यहाँ पे पहले ही सलाद लगा दिया गया है, उसमें प्याज है और अचार है। तो चलिए पहले पराठा खाते हैं। तो भाई गरम गरम पराठा का साइज, चलो अब भाई ट्राई करते हैं। सरदार जी के यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, हमें तो कल रात का खाना बहुत अच्छा लगा। पोषण तुमको अच्छा लगा कि नहीं बताओ? बहुत अच्छा लगा खाना। तो अभी आलू पराठा। तो फाइनली भाई निकल चुके हैं नाश्ता पानी करके अपने सफर के तरफ आगे। तो देख सकते हैं अभी थोड़ा सा क्या है कि आधा किलोमीटर हमें उल्टा साइड से जाना पड़ रहा है, क्योंकि आगे से रोड बंद है। तो रोड बंद होने के कारण हमें उल्टा साइड से जाना पड़ रहा है और वहाँ पर ट्रैफिक वाला बोला कि इधर से चले जाओ, आगे से मुड़ के सीधा हो जाना, तो इसी वजह से हमें इधर से आना पड़ा। तो चलिए अभी पहले सीधा रोड पे हो जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। जगह से रोड डायवर्जन किया गया है ना, देख रहे हो ये वाला फिर से बंद कर दिया, मतलब अभी क्या है कि ये बन रहा है, ठीक है। और ये सब पुराना रोड है तो ये बन रहा है, जब हाईवे पूरा रेडी हो जाएगा ना। वैसे तो 1000 किलोमीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अभी इधर तक का लातूर वाला रोड अभी थोड़ा बहुत बनाया जा रहा है, कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के पास में लोहा, तो ये जगह नाम लोहा है। और यहाँ पे देखो पूरा रुई का काम होता है, ठीक है। और ये जितना भी आप देख रहे हैं इधर रुई का होलसेलर बहुत ज्यादा है, तो पूरा रुई का काम होता है। इधर हमारे सब्सक्राइबर भाई जा रहा है भाई, ऐसा अगर रोड मिले ना तो सफर का मजा दुगना हो जाता है। ये देख सकते हैं अपने आप गाड़ी 80 भाग रहा है अपने आप।
जयपुर से लातूर के लिए हाईवे निकल चुका है। तो अहमदपुर सिटी है, हम लातूर वाला हाईवे पे चल रहे हैं। तो ये अचानक से पता नहीं गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, पीछे से भयंकर कच कच करके आवाज आ रहा है यार, समझ नहीं पा रहे क्या हो गया अचानक से। भाई देखो सर उधर उधर कुछ आवाज आ रहा है। ये तो टाइट है भाई, भरपूर ये टाइट है। देखो अंदर घुस के देखो कुछ टूटा है क्या। तो अच्छे से चेक कर लिया है, कुछ दिक्कत तो नहीं समझ में आया, बाकी देखते हैं चला के फिर प्रॉब्लम आएगा तो फिर रोक के अच्छे चेक करेंगे। अच्छा यहाँ के टोल प्लाजा में एक चीज हम देख रहे हैं, मतलब ये नहीं है जैसे आदमी बैठा रहता है ना वो वाला सिस्टम नहीं है। तो पीछे टोल प्लाजा था तो यहाँ पे बूथ जैसे बना होता है, ये बूथ वाला यहाँ सिस्टम नहीं है। डायरेक्ट आओ, इनका मतलब सर्वर काफी तगड़ा है, सर्वर तगड़ा होने के कारण यहाँ पे बूथ कोई आदमी बैठा नहीं है, डायरेक्ट खुल जा रहा है और हम लोग अपना सफर को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छा है। तो बाकी जो अपने नेशनल हाईवे पे है कि वो बूथ में बैठे रहते हैं, और अगर जैसे उस रोड में ज़्यादा गाड़ी चलता है हो सकता है उसके लिए भी ये कारण हो। बाकी यहाँ पे ऐसा ही है, इतना सर्वेंट का तगड़ा, गाड़ी खड़ा करते ही तुरंत पैसा कटा, तुरंत खोल दिया निकलो। तो लातूर चौराहा पहुँच चुके हैं, तो ये लातूर किधर जाना है भाई, किधर दिखा रहा है, यही वाला जाएगा, यही जाएगा। पूछ लो पूछ लो पूछ लो पूछ लो, साइड लगा रहे हैं। हमारे लातूर में सब्सक्राइबर भैया कैसे हैं? हाँ बढ़िया बढ़िया। हाँ ठीक, क्या नाम है? सौदागर सूर्यवंशी। अच्छा सूर्यवंशी। तो ये सीधा रोड में जाना है ना अभी? हाँ, सीधा सीधा सोलापुर तक अभी जाना है ना। हाँ। सोलापुर से फिर देखते हैं, सोलापुर में कितना किलोमीटर पड़ेगा इधर से? इधर से अभी 140 किलोमीटर। चलिए ठीक है भाई, और भी कुछ भाई मिल गए यहाँ पे, चलो भाई निकलता हूँ। चलो भाई फोटो वोटो हो गया, कोई टेंशन नहीं है अभी। चलो भाई ठीक है भैया, टाटा बाय बाय। चलिए हाँ पॉलिसी कैसे हैं आप? बढ़िया। तो सब्सक्राइबर भैया और मिल गए हमें, तो भैया रास्ता ही बता रहे थे हमें, तो सही जा रहे हैं ना? हाँ, सही जा रहे हैं। चलिए ठीक है भैया, क्या नाम है? असलम। अच्छा असलम भैया, चलिए ठीक है भैया, ओके। तो हम रुके हैं तरबूज लेने के लिए। भैया तरबूज कैसे के जी? 20 रुपये के जी। 20 रुपये के जी, ठीक है। 1 KG मतलब एक पीस दे दीजिए जो भी बढ़िया हो। काट हो गया? नहीं काट के नहीं, ऐसे दे दीजिए जो बढ़िया होगा। 50 का है, लाल होना बनता बहुत बढ़िया। अच्छा ये यहाँ का लोकल है ना? हाँ लोकल, क्योंकि आपके इधर से जाता है हमारे उधर बनारस में। चलो ठीक है भाई, एक पीस तरबूज भी ले लिया खाने के लिए। तो भाई तरबूज का क्वालिटी तो एक नंबर, मतलब चीनी कैसा मीठा है। छोटा पीस मैंने उठाया है वो भी एकदम मीठा है। चलो ये देखो, तरबूज खरीदने के बाद कटिंग करवा के गाड़ी को साइड में लगा लिया है, और ये जो तरबूज है देख रहे एकदम चीनी कैसा मीठा। ये तरबूज हमारे इधर जाता है मुंबई से, तरबूज बनारस में शुरुआत से ही चालू हो जाता है। तो ये तरबूज का क्वालिटी बहुत अलग है, बहुत हट के एकदम मीठा अलग है। तो ये भाई लातूर चौराहा देख सकते हैं, हाईवे का चौराहा ये। तो ये सीधा रोड चला जाएगा हैदराबाद, हैदराबाद यहाँ से बचा 270 किलोमीटर। तो हमें तो हैदराबाद जाना नहीं है गाइस, अगर हैदराबाद कभी जाना होगा तो और कभी जाएंगे और दूसरे रोड से जाएंगे, क्योंकि अभी पूरा साउथ का ट्रिप बाकी अपना है। तो अभी हम लोग इधर घूम गए, अब सोलापुर सांगली पुणे, तो ये सीधा पुणे दिखा रहा है यहाँ से, पुणे यहाँ से 352 किलोमीटर लिखा हुआ है। इस जगह का नाम है औसा। भाई सफर में कंटिन्यू है, इस रास्ते जा रहे हैं ना, देख रहे हैं एकदम ताजा गन्ने का जूस बनाया जा रहा है। तो देख सकते हैं एकदम ताजा गन्ना खेत से अभी आया, खेत से तो एकदम गन्ना ताजा है, इसका भी जूस बना के पिलाएंगे। आंटी जी पिलाइए, बनाइए 4 गिलास बनाओ 4 गिलास। क्या कर रहे थे? 4 गिलास बनाओ 4 गिलास। तो अभी हम महाराष्ट्र के बोरफड जिला में पहुंच चुके हैं, तो काफी दूर से आ रहे थे, देखा मैंने रास्ते भर में यहाँ पे बिक रहा है, और यहाँ पे पानी वानी भी रखा हुआ है, मतलब सब कुछ छोटा छोटा दुकान अपना बना के रखा है, तो बर्फ भी है इसमें। तो ये छोटा सा मशीन है, मशीन से भाई निकाला जा रहा है। ये जो मशीन है ना भाई 40,000 का आता है देख सकते हैं, और ये एक ही बार में निकलता है यार, एकदम पूरा एकदम खत्म हो गया इसमें से। तो हाँ। तो ये 40 का है ना? हाँ, इसके साथ सिंगल फेस मोटर है, इंजन है।
तो इसको दोबारा नहीं डालना पड़ता गन्ने के मशीन में, बस एक बार डालो और पूरा जूस निकल जाएगा। अच्छा उसमें दो बार डालना पड़ता है, इसमें एक ही बार में हो जाता ना। चलो बहुत अच्छा। हाँ थोड़ा सा बर्फ़ डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं। भाई जूस पी लिया है, एकदम चीनी के जैसा मीठा था, पी के मज़ा आ गया। और 10 रुपये का एक गिलास, ठीक है, ये जो गिलास है इसका 10 रुपये का एक गिलास, काफ़ी अच्छा क्वांटिटी है। तो चलिए पैसा दिया, अब यहाँ से निकलते हैं। तो मिल गए हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग। आ जाओ भाई, क्या नाम है आप लोगों का? अली। आप? अशफाक। अच्छा तो अभी मिल गए रास्ते में, मुलाकात हो गया, अच्छा लगा। तो भाई लोग पूछ रहे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बोले भाई बनारस से गोवा निकल रहे अभी। तो चलिए भाई मिल के बहुत अच्छा लगा। तो भाई लोगों के साथ में भी थोड़ा फोटो वोटो लेते हैं, उसको भी अच्छा लगा मिल के। चलिए आप लोग इधर ही से? हाँ इधर से। अच्छा चलो ठीक है। तो भाई महाराष्ट्र से भी मेरा वीडियो बहुत देखा जाता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी महाराष्ट्र से मेरा वीडियो देख रहे हैं। बाकी पूरे देश से देखा जाता है, बहुत भाई लोग तो दुबई से भी देखते हैं, कॉमेंट करते हैं, तो उसके लिए भाई दिल से शुक्रिया आप लोगों को कि आप लोग पीडीएम भाई को इतना ज़्यादा प्यार करते हो और पीडीएम भाई का वीडियो आप लोग पसंद करते हो। तो ऐसे ही अगर आप लोग वीडियो पसंद करोगे तो मैं आप लोग से वादा कर रहा हूँ कि पिकअप से ऑल ओवर इंडिया का टूर आप लोगों को मैं करवाऊँगा, बस आप लोग ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहो। तो मिल गए हमारे सब्सक्राइबर भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, साइड में आ जाओ। तो ये बंदा लगता है गाड़ी देख के आ गया, कोई बात नहीं भाई, बस प्यार है आप लोगों का, प्यार रहेगा तो हर जगह मुलाकात होगा भाई। यहाँ पे पवन चक्की भी बहुत सारा है, तो आपका क्या नाम है भाई? अभिजीत सुरवशी। अरे अभिजीत भाई मिल गए हमको। तो ये पवन चक्की बोलते हैं इसको भाई? हाँ। तो ये क्या होता है? ये लाइट जो होता है ना, बिजली बनाता है। अच्छा अच्छा बनाता है वो। तो फर्स्ट यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हो? अरे भाई धन्यवाद छोटू। चलो अभी गोवा ट्रिप है। तो ये पवन चक्की अच्छे से भाई दिख रहा है इधर से, तो लाइफ में पहली बार देखा यार, मतलब इतना अच्छा लग रहा देख के ना, अपने आप ऑटोमेटिकली ये घूम रहा है, हवा में घूमता है ये पवन चक्की और इससे बनता है बिजली। भाई इधर पूरा भरा हुआ है यार, इस लाइन में पूरा भरा हुआ है, उस साइड में तो कई तो बंद है भाई। भाई एक सब्सक्राइबर और मिल गए, गाड़ी लेके आए। और ये देखो भाई स्कैनिया, भाई स्कैनिया जा रहा है। हाँ कहाँ से है यार? अभी तो बनारस से आ रहे हैं। बनारस से? क्या मैं तो पूछा था आपके, वो आप ब्लॉग देखते ना मैं? अच्छा अच्छा। उधर से मैंने आपको देखा था, तो मुंबई, गोवा से मुंबई जा रहे हो? वो काशी थे कि मैं वो पिछले गाँव से, उधर से 90 स्पीड से इधर तक आया मैं। अरे भाई आप लोग का प्यार है भाई, धन्यवाद धन्यवाद। अभी मैं गोवा निकल रहा हूँ, वहाँ से फिर वापस आऊँगा। ओके भाई मेरी गाड़ी है पीछे वाली। अच्छा अच्छा आप ही गाड़ी, ठीक ठीक, ये वाली ना बोलेरो? ठीक भाई ठीक। तो अगर स्टेट जाएंगे तो तुलजापुर पहुंच जाएंगे, तुलजापुर हमें जाना नहीं है, तो हम इधर से मुड़ जाएंगे सोलापुर के लिए। भाई यार स्कैनिया का बात ही अलग है, चुके हैं। सोलापुर पहुंचते ही हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर भैया मिल गए जो ऑटो चलाते हैं सोलापुर में। क्या हालचाल है भैया? तुम्हारे वीडियो देखता हूं। अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो देखते हैं मेरा, सोलापुर में स्वागत है तुम्हारा। अरे धन्यवाद धन्यवाद भैया, बाकी महाराष्ट्र से बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का। नहीं मैं देखा जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद भैया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, ठीक है आप मिले, बाकी ये वीडियो आपका यूट्यूब में आएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद भैया, अभी हमें चाय पिला रहे थे, मना कर दिया क्योंकि हमें निकलना है, ठीक है। चलिए पकड़ चुके हैं नेशनल हाईवे 65, इधर जाएंगे तो पहुंच जाएंगे हैदराबाद, और ये पुणे हैदराबाद हाईवे है, इधर सीधा पुणे और इधर सीधा हैदराबाद, और ये हैदराबाद का गाड़ी भी साइड आ रहा है। तो ये हमारे सब्सक्राइबर निकल गए भाई, हमको चाय पिला रहे थे। नहीं नहीं चाय नहीं पिलेंगे, कहाँ जा रहे हो? अच्छा 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 चलो ठीक है भाई, थैंक यू। तो भैया लोग अभी आ गए ट्रक खड़ा करके मिलने के लिए, कैसे हैं? सब बढ़िया? सब बढ़िया। हाँ भैया लोगों का सामने ट्रक लगा हुआ है, तो इन लोगों से थोड़ा पूछ लिया रास्ता, क्योंकि देखो भाई
मेन रोड पे थोड़ा सा रास्ता का प्रॉब्लम हो ही जाता है, कितना भी इंटरनेट पे आप देख लो थोड़ा सा संकोच रहता है कि हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। एक बार गलत जाओगे तो फिर ज़्यादा ही घूम के आना पड़ता, तो इसी वजह से पूछते पूछते ही जा रहे हैं हम लोग। चलिए सब बढ़िया है ना, तो सीधे जाते तो पूना पहुँच जाते हैं, लेकिन हम लोगों को इधर से घूमना है सांगली के लिए, विजयपुर के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे विजयपुर लिखा है, बाले लिखा हुआ है, केवाल लिखा है, तो यही सब रोड है इधर का। और बेंगलुरु भी यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस। किधर जाना है भूषण? चलो चलो इधर ही, ऊपर चढ़ना है ना। और यहाँ पे बेंगलुरु भी लिखा हुआ है, मतलब ये बेंगलुरु भी चला जाएगा। तो भाई जैसे ही हम हाईवे पे चढ़े हैं बेंगलुरु वाला, तो अभी अपना जो सफर बाकी है ना वो बाकी है 400 कुछ किलोमीटर का। कितना है 400? कितना दिखा रहा है भाई? 435 किलोमीटर का। तो थोड़ा सा रुक गए, कुछ खाएंगे, मतलब दाल चावल यहाँ मिल रहा है, और जहाँ पे हम खाना जा रहे हैं वो हमारे सब्सक्राइबर ही है, तो चलिए खाते हैं। वो गाड़ी देख के पहचान गया, मैं रास्ता पूछ रहा था, वो गाड़ी देख के हमें पहचान गया, तो मुँह धो लिया है। चलिए थोड़ा सा खाते हैं, पानी पीते हैं और सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। तो पहुँच चुके हैं दुकान पर। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया। और भाई कैसे? बढ़िया। तब अपना अभी खाना पीना लगाइए, थोड़ा खाया जाए। तो आज भाई साहब के यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे चावल खाएंगे। और कौन सा दाल रहता? मसूर का दाल। मसूर का दाल, ठीक है, एक नंबर चावल दाल लगा रहे हैं भाई। बस बस, बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे दाल भी है मसूर का, ठीक है, एक नंबर। यहाँ पे मतलब मसूर का दाल बहुत पसंद करते हैं। हाँ, मसूर का मूंग कर रहे थे 2000 रुपये। अच्छा चलिए ठीक है। तो जो खाना है ना एकदम एक नंबर टेस्टी, मतलब घर के ऐसा लग रहा है भाई। दाल भात देख सकते हैं, तो मसूर का दाल का टेस्ट तो आप लोग बताइए कैसा होता है। साथ में आलू का पकौड़ा, साथ में मिर्चा। तो भाई कभी कभी इंटरनेट के सहारे जाओगे तो रास्ता ही खत्म हो जाएगा। भाई साहब हम लोग क्या सोच के आए थे, क्या हो गया यहाँ पे? ऊपर से जाना था नीचे चले आए हम लोग, यार जाना था ऊपर से। अरे इधर कहाँ जा रहे हो? इधर जाके फिर नीचे जाके ऊपर चले जाएंगे, क्या करेंगे? फिर नीचे जाओगे? नहीं, घूम के ऐसे जाएंगे। आगे कट था ना एक तो ऐसे पता नहीं। अरे हम देखे भाई, क्या बताया जाए। सोलापुर से हम लोग ने सांगली वाला रोड पकड़ लिया है। ये हाईवे हम लोग को 180 किलोमीटर कंटिन्यू चलना है। अचानक से यहाँ पे बाइक का बड़ा तूफान आ चुका है और हमको डर लग रहा है कि हम लोग का सामान पीछे भीगे ना। बोलता जल्दी करो, जो करना जल्दी करो भाई, जल्दी करो, बहुत तेज बारिश आ गया है। पहले मेरा जूता दे दो, उसके बाद पूरा सामान। सही है ना सब कुछ? और भाई मौसम चेक करो, ये देखो अचानक से भाई, अचानक से हो गया। अब भाई एकदम खतरनाक तरीके से बारिश हो रहा है, मतलब ये हल्का फुल्का वाला नॉर्मल बारिश तो नहीं है, बहुत खतरनाक वाला बारिश है। भाई ये क्या मजाक है यार, ये क्या मजाक है? ओ भाई इतना देर से बारिश हो रहा है और भाई 5 किलोमीटर आने के बाद इधर तो पानी ही नहीं पड़ता यार, ये मजाक हो रहा है क्या हम लोग के साथ में यार? तो अभी 2 किलोमीटर बचा है, कर्नाटक में हम लोग एंटर कर जाएंगे गाइस। तो गाड़ी को इधर साइड में लगा दिया है, तो चाय पीने के लिए रुके हम लोग। अभी शाम का 3:30 मतलब 4 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं, तो सोचा कि चाय पी लेते हैं क्योंकि बारिश तो उधर बहुत तगड़ा वाला हो रहा था, इधर हल्का हल्का बारिश हो रहा है, इधर अभी मौसम बना रहा है। तो फाइनली भाई चाय लग चुका है, पोषण कहाँ गया? अच्छा हर जगह का चाय का भी टेस्ट ना अलग अलग होता है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में चाय पियो तो ऑलमोस्ट सब जगह का चाय थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंजिंग रहेगा, लेकिन इधर का चाय में भी थोड़ा सा बदलाव है। बाकी ऐसे मौसम में यार चाय मिल गई, अब क्या ही चाहिए। चलो चलो भाई चाय वाय पी लिया, हल्का हल्का अभी बारिश हो रहा है, बारिश रुका नहीं है,
लेकिन अपना पीछे का जो बिछौना चौना है ना पोर्शन उसको अच्छे से ढक के रखा है, वो खराब अभी नहीं होगा और भीगेगा भी नहीं। भाई मैं गोवा जाऊंगा, कैसे आप लोग? बढ़िया है ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए तो अभी इधर ही से निकलेंगे सीधा गोवा। गोवा निकलेंगे आराम से, इधर से आराम से जा सकते हैं। और आप लोग बढ़िया हैं? क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम सुनील चौधरी। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हैं? डेली डेली आपका मेरा लाइक हर एपिसोड में रहेगा। अच्छा, आपका पिकअप भी है पीछे? ये भैया लोगों का पिकअप। भैया लोग बोल रहे हैं ब्लॉग में छोड़िए अपने पिकअप को। बोले चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं। पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप। यहाँ पे डीजल टैंक पूरा फुल करवाएंगे क्योंकि अभी तक हमारा 2 टंकी डीजल टैंक खत्म हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक मेरी गाड़ी 1384 किलोमीटर चल चुका है गाइस। तो 1384 किलोमीटर में कितने रुपए का तेल जला वो आप लोग को अभी वीडियो में बताएंगे। एक वीडियो उसको अलग से बनाने वाले हैं। अपना टंकी फुल, देखते हैं अभी कितना लीटर तेल आएगा अपनी गाड़ी में। तो डैश शीट तो काफी अच्छा है, आप लोगों को पता ही है। और इधर का तेल का रेट देख लो भाई, ये है। तो टंकी फुल हो चुका है, चलिए पेमेंट कर देते हैं। ऑनलाइन करेंगे क्योंकि कैश पैसा अपने पास थोड़ा बहुत भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है गाइस। तो रुके हैं मार्केट में, मतलब ये मार्केट क्या है कि गांव का रास्ता है पूरा, ये देख रहे हो हाईवे है। तो एक आंटी और एक अंकल बेच रहे हैं यहाँ पे फ्रूट्स। तो यहाँ का लोकल क्या क्या बेच रहे हो आप? लोकल गांव का? गांव का कमलापुर। कमलापुर, अच्छा। तो हमें चिक्कू दिया खाने के लिए, यहाँ का लोकल है ये, खेती में चिक्कू है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और यहाँ का लोकल अनार भी दिया खाने के लिए। इसको आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके जरूर बताना, ये आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं? हमें ये कुछ कुछ खरबूजा का जैसा लग रहा है लेकिन ये खरबूजा है नहीं। ठीक है, इस फल का नाम भी मुझे नहीं पता लेकिन काफ़ी टेस्टी है, खरबूजा से थोड़ा सा कम मीठा है। तो कुछ फ्रूट्स ले लिया खाने के लिए, ये तो काफ़ी अच्छा लगा। ये भी 2 पीस ले लिया, 2 पीस दिया 50 रुपये में और ये दिया 1/2 kg 30 रुपये में चीकू। भाई ये इसका टेस्ट ना एकदम गजब का, एकदम चीनी के जैसा मीठा है। लो आप लोग भी खा लो, लड्डू कैसा गोल गोल लग रहा है, एकदम चीनी जैसा मीठा है, मजा आ गया खा के। तो पोषण तो एकदम खाता ही नहीं है भाई, क्यों नहीं खाते हो बताओ, आज तुमको बताना पड़ेगा। तो हमको फ्रूट एकदम पसंद नहीं है बचपन से ही। अच्छा, कोई भी फ्रूट पसंद नहीं? नहीं, बहुत कमेंट आता है तुम्हारे बारे में कि तुम अकेले अकेले खाते हो, पोषण को नहीं खिलाते हो, राज बताओ क्यों नहीं खाते हो? फ्रूट में हमको अंगूर पसंद है और एक दो केला खा लेते हैं और कोई फ्रूट हमको पसंद नहीं। तो आप लोग सुन लिए, तो इसी वजह से हम अकेले खाते हुए देखते होंगे हमेशा आप लोग, ये फ्रूट्स खाता ही नहीं है, इसको हम बहुत खिलाने की कोशिश करते हैं। अभी हम खा रहे थे 1 पीस पूरा, हमने अकेले खाया, हमने खा ले भाई, बोला नहीं नहीं खाएंगे। और इधर का व्यू तो यार कुछ अलग लेवल का लग रहा है। भाई गाड़ी अपना उधर साइड में लगा है, अभी रास्ते से जा रहे थे ना कि अनार का मुझे पूरा खेती दिखा, मतलब फर्स्ट टाइम हम अनार का खेती देख रहे हैं। तो हम सोचे कि आप लोगों को भी दिखाते हैं यार, क्योंकि जीवन में पहली बार अनार के खेती के अंदर हम एंटर करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट अपना एक्सपीरियंस है और आप लोग को यहाँ का अनार दिखा रहे हैं। तो ये अनार है भाई, देखिए आप लोग, एकदम तैयार हो चुका है ये फल और यहाँ पर देखो पूरा ये लगा हुआ है। अच्छा, ये अनार कौन सा अनार क्वालिटी है आप लोग कॉमेंट करके बताओ, क्योंकि अनार का बहुत सारा क्वालिटी आता है। तो ये कौन सा है भाई पोषण, आराम से इसमें लिया के सड़ा के दिखाओ यार। ये देखो भाई अनार का खेती पहली बार देखें, यहाँ से पूरा आधा किलोमीटर तक पूरा ये अनार का ही खेती है। तो देख सकते हैं ये पूरा तैयार है, ठीक है, ये जो अनार है ये पूरा तैयार है और ये फट भी चुका है गाइस यहाँ पे। तो हम किसी का सामान तो नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि अभी किसान यहाँ पे है भी नहीं, बाकी आप लोग को हम लेके आ चुके हैं अनार के खेती के अंदर में। अच्छा, ये वाला फट चुका है, तो इसको ये फट चुका है तो इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोग, ये देखिए। ठीक है, तो ऐसा है अनार का क्वालिटी, एक नंबर अनार है भाई यहाँ पे। तो हम सोच रहे थे आप लोगों को दिखा दें और काफ़ी दूर से हमें दिख रहा है अनार का खेती, हम सोच रहे थे दिखाते हुए चले। सो इधर आ ही गए और आप लोगों को दिखाई दिया फाइनली। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके मेरे को जरूर बताना यहाँ पे, ये सब देखो पूरा अनार। तो यहाँ पे किसान दिख नहीं रहे जिसका ये खेती है, नहीं तो हम 10 किलो कम से कम अपने घर के लिए पैक करवा के लेके जाते भाई। फ्रेश अनार है, अब इससे बढ़िया क्या ही चाहिए, एकदम बाग से टूट के हमें ये अनार मिलता, लेकिन यहाँ पे किसान है नहीं तो
उनका माल हमने एक भी छुआ नहीं भाई, क्योंकि देखो दूसरे का माल है और किसान इतना मेहनत से माल को उगाता है ना, तो वो किसान ही समझ सकता है। मतलब हम लोग भी किसान परिवार से ही हैं, तो हमें पता है कि एक चीज़ को उठाने में कितना मेहनत लगता है। तो बहुत मेहनत से ये सब चीज़ें किया जाता है। सो चलिए अपना ट्रिप को अभी कंटिन्यू करते हैं। अपना ट्रिप अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं बचा है, बस 300 किलोमीटर का बचा है। कल हम लोग लगता है शाम को पोषण गोवा पहुंच जाएंगे यार, लेकिन उधर का रास्ता बहुत पहाड़ी है, टाइम लगेगा। अच्छा, कल के वीडियो में आप लोग को सरप्राइज हो सकता है, मिल जाए। मतलब इतना खतरनाक खतरनाक घाटी से हम लोग जाने वाले हैं, और यहाँ पे देख रहे हो पूरा बिजली उत्पादन करने के लिए लगाया गया है, और ये रहा अपना गाड़ी, इधर का कुछ व्यू। तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे हमारे कोलकाता के किंग ड्राइवर लोग मिल गए हैं भाई, और मैंने इन लोगों को पीछे ही देखा, ठीक है, बहुत पीछे चाय पी रहे थे, और हमें लगा ये लोग हमको जानते जरूर होंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल का नंबर है। और ये लोग खाली गाड़ी लेके आ रहे, अंगूर लोड करने जा रहे हैं। कहाँ से लोड होगा? तो मंजूरी से। कितना किलोमीटर अभी है? अभी 30 किलोमीटर है। अच्छा, 30 किलोमीटर बाद मतलब हमको भी अंगूर का खेती पूरा दिखने लगेगा। अच्छा, तो मतलब इधर ही ज्यादा अंगूर जाता है वेस्ट बंगाल साइड क्या? इधर से चलता है। अच्छा, इधर से चल। अच्छा, तो इतना दूर से मतलब क्या भाड़ा लगता है आप लोगों का, कुछ अंदाजा? 1,30,35 तो जैसे खाली गाड़ी लेके आ रहे हैं फिर जाएंगे तो क्या बचत छोड़ देता होगा? 30-40 हज़ार बच जाएगा? नहीं, और ज्यादा? 20,000 रुपया। भाई यार, मतलब समझ रहे हो क्या मतलब है काम करके, कि बंदा 1,800 किलोमीटर आ रहा है। 1,800 कहाँ, और ज्यादा पड़ेगा ना? 4,000 किलोमीटर अप डाउन। 4,000 किलोमीटर और बचेगा सिर्फ 20,000 रुपया। उतना तो हम लोग भाई बनारस से बंगाल सब्जी में चल के बचा लेते थे। इतनी बड़ी गाड़ी लेके बंदा बंगाल से सोचो आ रहा है और बचत कितना छोड़ रहा है, सिर्फ 20,000 रुपये। सैल्यूट है आप लोग यार, कि आप लोग काम कर रहे हो इतना मेहनत से, यार क्या बताएं। तो गाइस फाइनली हम लोग कल पहुंच जाएंगे गोवा के लिए। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। देख सकते हैं गाड़ी हम लोगों ने एक पेट्रोल पंप पे लगा लिया है। तो इधर है भाई पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप पे गाड़ी को लगा दिया है साइड में, क्योंकि आज रात को यहीं पे सोने वाले हैं। और पोषण देखो क्या कर रहा है, ये देखो, अबे इधर आओ। तो ये लाइट पकड़ा हुआ है क्योंकि हमारा चेहरा में थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी आए। सो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। एक्चुअली हम लोग का खाना पीना सब कुछ हो चुका है, अभी हम लोग सोने जा रहे थे, सोचे कि इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं अलग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। कल के ब्लॉग में आप लोग को हम पहुँचा देंगे गोवा, जिस ट्रिप का आप लोग वेट कर रहे हो कल आप लोग पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में।